हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। यूपी टीजीटी बायोलॉजी की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी सिलेबस के अंदर हैं, उसकी वीडियोस मैं अब डेली प्रोवाइड करती रहूँगी अपने चैनल पर। तो आप चाहें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी चैनल में कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये सिर्फ यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए, जो यूपी के टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं बायोलॉजी वाले की, सिर्फ उनके लिए ही है। तो अदर टीजीटी वाले कैंडिडेट्स चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज चैप्टर, या कह सकते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो कवर करेंगे, जितना सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले जूलॉजी का टॉपिक लेकर के चलते हैं, जूलॉजी का सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं। जूलॉजी के अंदर एक एक टॉपिक को कवर करते हैं, और आई होप कि आपके एग्ज़ाम तक आपके सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं हम। प्रोटोजोआ के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर है। इसके अंदर प्रोटोजोआ में जो आपको पढ़ना है वो है पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और युगलीना, इसके बारे में पढ़ना है, और डिसीज़ जो कि कॉज होती हैं प्रोटोजोआ के थ्रू, ठीक है। प्रोटोजोआ के ज़रिए क्या क्या डिजीज़, क्या क्या रोग होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। जितने भी प्रोटोजोआ मैंने आपको बताए हैं, उनकी लाइफ साइकिल से लेके उनके स्ट्रक्चर वगैरह, सारी ही चीज़ें पढ़नी है यूपी टीजीटी के लिए। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ जान लेते हैं, प्रोटोजोआ क्या होता है। सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द का यूज़ किसने किया था, ठीक है, या टर्म प्रोटोजोआ कह सकते हैं किसने दिया था, तो वो दिया था गोल्डफ़ज़ ने। सेकेंड, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप याद कर लें, उसके बाद डिटेल में चलेंगे, क्योंकि फैक्ट्स तो फैक्ट्स की तरह आना, इसमें तो कुछ घुमाना फिराने वाली चीज़ नहीं है। सबसे पहले प्रोटोजोआ का अध्ययन किसने किया था, तो वो किया था लिविन हॉक ने। यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, द टर्म प्रोटोजोआ गिवन बाई गोल्ड फ़ज़। प्रोटोजोआ जो टर्म है, जो प्रोटोजोआ शब्द है, वो पहले दिया था या पहले यूज़ किया था गोल्ड फ़ज़ ने, और इसका अध्ययन किया था लिविन हॉक ने। प्रोटोजोआ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी कि फ्रीली भी पाए जाते हैं, और ये पैरासाइट यानी कि परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। परजीवी किसे कहते हैं, जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, ठीक। तो ये किसी दूसरे जीव के अंदर भी हो सकते हैं या फ्रीली भी हो सकते हैं एनवायरनमेंट में। दूसरे जीवों के अंदर जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी शरीर के अंदर होते हैं, सारे नहीं होते बट मोस्टली शरीर के अंदर होते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ सहजीवी भी होते हैं, यानी कि कमेंशियल भी होते हैं। सहजीवी किन्हें कहते हैं, जो एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं बाहरी संरचना को, इनकी बाहरी संरचना कैसी है। तो प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर, या इसी को कहते हैं ए सेल्युलर, इसका मतलब होता है एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ कैसे होते, एक कोशिकीय होते, एक कोशिका से बने होते, एक सेल से बने होते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब है कि एक सेल होता है, इनमें एक ही सेल के अंदर सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें अलग अलग सेल्स मिलकर अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे सेल भी एक है और एक ही सेल के अंदर ही सारे ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, एक सेल से ही इनका सारा फंक्शन हो रहा है। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है। बॉडी नेक्ड होती है या फिर प्रोटीनेशियस पेलिकल्स होते हैं। प्रोटीनेशियस पेलिकल्स यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण होता है। तो बॉडी में कोई आवरण नहीं भी हो सकता है, नेक्ड बॉडी भी हो सकती है, या फिर इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण भी होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटीनेशियस पेलिकल्स। कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण भी होता है, कुछ में सिलिकेट का भी आवरण हो सकता है, ठीक। तो इनकी बॉडी कैसी हो सकती है, नेक्ड भी हो सकती है, प्रोटीनेशियस पेलिकल्स भी हो सकते हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण भी हो सकता है, या फिर सिलिकेट का आवरण भी हो सकता है। तो ये हो गई मॉर्फोलॉजी। बात करते हैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये जो हमने देखा ये बाहरी संरचना थी, अब आंतरिक संरचना इनकी कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड वैक्यूल्स, इनमें जो खाद्य धानियाँ होती है, खाद्य रस धानियाँ होती है, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं,
वो कैसे होते हैं। देखिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसको आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंग्लिश ही लिख करके आ जाती है हिंदी वाले सेक्शन में भी, ठीक है। जैसे कि खाद्य राजधानियाँ ना लिख के हो सकता है फूड वैक्यूल्स ही लिख के आ जाए हिंदी में, ठीक है, हिंदी कहने वाला देवनागरी में लिख करके आ जाए। तो आपको इनकी जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो भी याद रखने हैं। तो इनकी फूड वैक्यूल्स कैसे होती हैं, इनमें कई फूड वैक्यूल्स होती हैं जो भोजन रखती हैं, ये मूव करती रहती है, यानी स्थिर नहीं होती एक जगह पे, फूड वैक्यूल्स मूव करती रहती हैं। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी मूव करता रहता है। तो फूड वैक्यूल्स कैसी होती हैं, कई सारी होती हैं और ये मूव करती रहती हैं, स्थिर नहीं होती हैं, और जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो भी मूव करता रहता है। फिर आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसी होती हैं, ये एक भी हो सकती है किसी प्रोटोजोआ में, किसी में दो भी हो सकती हैं और किसी में दो से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कई हो सकती हैं। ये काम क्या करती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये एक्सेस वाटर रिमूव करती हैं, ठीक है। एक्सेस वाटर यानी कि पानी जब बहुत ज़्यादा होता हो जाता है ना, पानी की जो अति हो जाती है उसको रिमूव करती हैं, उसको शरीर से बाहर निकालती हैं, यानी परासरण नियंत्रण करती हैं। इनको कहते हैं इंग्लिश में ऑस्मो रेगुलेशन या हिंदी में कहते हैं परासरण नियंत्रण। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है, ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण। ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण क्या होता है, एक्सेस वाटर को रिमूव करना, शरीर का कचरा बाहर निकालना। कचरा का मतलब जैसे ह्यूमन में एक्सक्रीशन होता है वैसे ही प्रोटोजोआ में एक्सक्रीशन का काम करती हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक। न्यूक्लियस कैसा होता है इनमें, तो एक न्यूक्लियस हो सकता है, दो भी हो सकते हैं या कई भी हो सकते हैं, ठीक। इन न्यूक्लियस की रचना समान भी हो सकती है यानी कि एक जैसे भी हो सकती है, या डाइमॉर्फिक भी हो सकती है यानी अलग अलग दो रूपों की हो सकती है, ठीक। और अगर समान है तो एक जैसी होगी, अगर डाइमॉर्फिक है यानी कि दो रूपों में है तो कैसी होगी, एक तो स्मॉलर होगी और एक लार्जेस्ट होगी। जो स्मॉलर न्यूक्लियस है वो कहलाएगी माइक्रो न्यूक्लियस, नाम से ही समझ में आता है, माइक्रो हम कहते हैं छोटे के लिए, मैक्रो हम कहते हैं बड़े के लिए। तो जो स्मॉलर न्यूक्लियस होती है उसको कहेंगे माइक्रो न्यूक्लियस और जो लार्जेस्ट न्यूक्लियस होती है उसको कहेंगे मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक। तो न्यूक्लियस क्या होती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है या कई हो सकती है, समान भी हो सकती है, डाइमॉर्फिक द्विरूपी भी हो सकती है। अगर डाइमॉर्फिक है तो एक लार्जेस्ट होगी एक स्मॉलेस्ट होगी, जो लार्जेस्ट होगी उसे कहेंगे मैक्रो न्यूक्लियस, जो स्मॉलेस्ट होगी उसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये इसका आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं इनकी फिजियोलॉजी की, ठीक है, इनकी जो फिजियोलॉजी होती है वो कैसे होती है। तो प्रोटोजोआ में कैसे कैसे होता है, तो सबके लिए दिया हुआ है जो अलग अलग प्रोटोजोआ हैं उनकी फिजियोलॉजी कैसे होती है उसको शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं। अमीबा में क्या होता है, जो लोकोमोशन है यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, अमीबा में स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं फॉल्स फीट, ठीक। फॉल्स फीट लिख कर आए, स्यूडोपोडिया लिख कर क्या, एक ही बात है, ठीक। तो स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट किस में पाए जाते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं, ठीक, जो क्या काम करते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन का काम करते हैं। युगलीना में लोकोमोशन का काम कौन करता है, फ्लैजला करता है। इसी तरह पैरामीशियम में पूछा जाए लोकोमोशन के लिए हेल्प कौन करता है, तो सीलिया करता है। कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जिनमें लोकोमोशन नहीं होता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना, अमीबा में लोकोमोशन होता है स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट के थ्रू, युगलीना में लोकोमोशन होता है फ्लैजला के थ्रू, और पैरामीशियम में लोकोमोशन होता है सीलिया के थ्रू। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है, जिस बेसिस पे प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया है, वो लोकोमोशन ही है, ठीक है। बहुत सारे आधार हैं बट लोकोमोशन क्या है, उसका एक मुख्य आधार है, ठीक। लोकोमोशन या आवागमन के आधार पर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया है, यानी स्यूडोपोडिया के आधार पर वो आवागमन कर रहे हैं, फ्लैजला के आधार पर करें या सीलिया के आधार पर करते हैं, किस विधि से करते हैं उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये तो हो गया उनका लोकोमोशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसे लेते हैं प्रोटोजोआ, क्या खाते हैं, कैसे उन्हें पोषण प्राप्त होता है।
तो कुछ होते हैं जो पौधों की तरह पोषण लेते हैं, यानी कि होलोफाइटिक होते हैं। होलोफाइटिक का मतलब होता है स्वपोषी, पौधों की तरह। फाइट वर्ड ना मोस्टली कहाँ, अब जब भी देखो आपको कुछ समझ नहीं आया तो फाइट वर्ड समझ जाना है पौधों से रिलेटेड है, ठीक। तो होलोफाइटिक मतलब पौधों की तरह या स्वपोषी होते हैं। कुछ होलोजोइक होते हैं, जहाँ जो वर्ड आ जाए ना समझ जाना कि ये जंतुओं से रिलेटेड है। होलोजोइक मतलब जंतुओं की तरह पोषण लेते हैं, ठीक। कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं यानी कि मृतोपजीवी, मृत जीवों पर आश्रित होते हैं। और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं यानी कि परजीवी, जो दूसरों के शरीर के अंदर, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या फिर शरीर के बाहर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक। जो शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें एंडोपैरासाइट कहते हैं, और जो शरीर के बाहर से या त्वचा से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें एक्सोपैरासाइट कहते हैं। जो होलोजोइक होते हैं वो अपना फीडिंग कैसे करते हैं, यानी कि इंजेशन कैसे करते हैं, भोजन को कैसे लेते हैं, कैसे खाते हैं, यानी जैसे हम जंतु हैं ना भोजन को हाथों से लेकर के खाते हैं, तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे इंजेशन करते हैं या भोजन को लेते हैं, तो वो स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया की मदद से भोजन को कैप्चर करके लेते हैं, ठीक है। फिर डाइजेशन कैसा होता है इनमें, यानी पाचन कैसा होता है, तो प्रोटोजोआ में जो पाचन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर पाचन होता है किसमें, प्रोटोजोआ में, फूड वैक्यूल में, ठीक। अब बात करते हैं कि एसिमिलेशन यानी भोजन पच तो गया, भोजन का अवशोषण कैसे होगा। जैसे हम लोगों में होता है, इंसानों में होता है, उन्हें भी तो भोजन का अवशोषण करना होगा, पोषण का अवशोषण करना होगा, और समान रूप से अपनी बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा। तो भोजन का एसिमिलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जो भोजन पच गया उसका अवशोषण और वितरण कैसे होगा, तो ये होता है साइक्लोसिस के थ्रू, ठीक। साइक्लोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इनमें भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। देखिए मैं उतनी चीज़ें बता रही हूँ जितनी आपकी यूपी टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर है, बहुत ज़्यादा डीप लेवल में या पीजीटी लेवल का मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ यूपी टीजीटी लेवल के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, ठीक। क्योंकि पढ़ने के लिए तो इतना है कि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप नीट की बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। फिर है इजेशन, इजेशन मतलब होता है अपशिष्ट। अब अवशोषण भी आपने कर लिया भोजन का, यानी प्रोटोजोआ ने भोजन का अवशोषण भी कर लिया, उसका वितरण भी कर लिया। अब जो कचरा बचा है, ठीक है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं, वो उसे कहते हैं इजेशन, अपशिष्ट को बाहर निकालना। तो इनमें क्या होता है, इनमें टेम्पोरेरी रेप्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फट जाती है, हमेशा के लिए नहीं फटती, वो फट जाती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और फिर से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण हो जाता है, ठीक। तो टेम्परेरी रप्चर होता है सिर्फ भोजन को, जो अपशिष्ट पदार्थ है भोजन का उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, ठीक। पैरामीशियम में साइटोप्रोक्ट यानी कि साइटोपाइज नाम के परमानेंट एपर्चर सेल होते हैं, जिन्हें सेल एनएस कहा जाता है, उसके थ्रू इजेशन होता है, ठीक है। ये एक अलग से पॉइंट है पैरामीशियम का, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी जब मैं अपनी वीडियोस अलग अलग लाऊंगी, जो ये तीन आपके हैं प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और यूग्लिना, इन तीनों के बारे में, इन तीनों की लाइफ साइकिल, सारी चीज़ें एक एक वीडियो में कवर करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पैरामीशियम में कैसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते, तो पैरामीशियम में एक परमानेंट एपर्चर सेल होती है जिसे सेल एनएस कहते हैं, ठीक है। और वो परमानेंट अपर्चर सेल जो होती है वो साइटोप्रोक्ट या इसको साइटोपाइज नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसके थ्रू क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं श्वसन में, सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होती है, यानी कि विसरण द्वारा और गैसों के आदान प्रदान के थ्रू, ठीक। एक्सक्रीशन क्या होता है, मतलब एक्सक्रीशन कैसे होता है, इनमें एक्सक्रीशन में क्या होता है, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्सक्रीशन होता है, कैसे होता है ये भी हमने पढ़ लिया, रप्चर हो जाती है सारी चीज़ें, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल गए, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ निकला वो था क्या, क्या अपशिष्ट पदार्थ निकला है, तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वो है अमोनिया,
इनको बेसिकली अमोनोटेलिक भी कहते हैं, ठीक। प्रोटोजोआ क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं, क्योंकि ये अमोनिया सिक्रीट करते हैं, अमोनिया सिक्रीट नहीं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, एक्चुअली एक्सक्रीट वर्ड ज़्यादा सही है, ठीक। अमोनिया पदार्थ जो है निकालते हैं एक्सक्रीशन में, और कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीशन होता है ऑस्मोरेगुलेशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से भी, ठीक। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो एक्सक्रीशन करते हैं, पर थोड़ी सी मात्रा में जो एक्सक्रीशन है वो ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू होता है, और ऑस्मोरेगुलेशन हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में होता है। इनमें कोई नर्वस रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है। जो हम लोगों में होता है ना, तंत्रिका तंत्र होती है, उसके द्वारा नियंत्रण और समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन होता है, ठीक। तो प्रोटोजोआ में कोई नर्वस रेगुलेशन नहीं होता है, ये प्रोटोप्लाज्म द्वारा नर्वस रिस्पॉन्स का कार्य करते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। प्रोटोजोआ क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा रिस्पॉन्स करते हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं प्रोटोजोआ का नर्वस सिस्टम का कार्य कौन करता है, प्रोटोप्लाज्म करता है, ठीक। अब इनमें रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कैसे होता है, तो एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताने की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनी फिजन के थ्रू भी होता है, मल्टीपल फिजन के थ्रू भी होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक कोशिका होती है या एक जीव है उससे दो बन जाते हैं, ठीक। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक जो होती है कोशिका उससे कई सारे बन जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन होते हैं, बहुत सारे खंडन हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि एक से दो बन रहा है मतलब बाइनरी फिजन हो रहा है, एक से कई बन रहा है तो मल्टीपल फिजन, ठीक। स्यूडोपोडिया में सिंपल बाइनरी फिजन होता है, एक स्यूडोपोडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमीबा, एक अमीबा किस में टूट जाता है, दो अमीबा बन जाते हैं, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है युगलीना में, यानी कि हम बेसिकली कह सकते हैं जो फ्लैजिलेट होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे कि आपके कोर्स में है युगलीना, ठीक, उसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। और सीलिएट्स में यानी जिनमें सीलिया पाया जाता है, आपके कोर्स में है पैरामीशियम, उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है, अभी जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कैसे होता है, तो मोस्टली सिनगैमी होता है, ठीक। सिनगैमी मतलब दो गैमिट्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक, कंप्लीट गैमेटिक फ्यूज़न होता है, दो गैमिट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं सिनगैमी। इसके अलावा एम्फीमिक्सिस भी होता है। एम्फीमिक्सिस क्या होता है, जहाँ पर फ्यूज़न ऑफ गैमिट्स न्यूक्लियाई होता है, गैमिट्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं आपस में, ठीक। सिनगैमी में क्या होता है, दो गैमिट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं। एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, गैमिट्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में गैमेटिक और जाइगोटिक दोनों मियोसिस होते हैं, ठीक, दोनों टाइप के मियोसिस होते हैं प्रोटोजोआ में, गैमेटिक और जाइगोटिक दोनों कैसे होते हैं, मियोसिस होते हैं, ठीक। मियोसिस मीटोसिस को डीपली पढ़ेंगे जब मियोसिस मीटोसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स मायोनिमीज की हेल्प से दो स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ में, सब में नहीं, कुछ में होते हैं, और इस तरीके की मूवमेंट को क्या कहते हैं, ये जो दो स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं जो सेंट्रैक्टाइल फाइबर्स मायोनिमीज की हेल्प से होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे युगलिनोइड मूवमेंट कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कुछ प्रोटोजोआ में दो स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं, किसकी हेल्प से होते हैं, सेंट्रैक्टाइल फाइबर्स मायोनिमीज की हेल्प से होते हैं, और इस तरीके के मूवमेंट को युगलिनोइड मूवमेंट भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने प्रोटोजोआ के बारे में कुछ डिटेल जानकारी ले ली है जो इम्पॉर्टेंट है, और जो जो प्रोटोजोआ आपके यूपी टीजीटी के सिलेबस में है उनके बारे में थोड़ा सा जाना है। अब आपके यूपी टीजीटी सिलेबस के अंदर आने वाले जो प्रोटोजोआ हैं उनके बारे में हम एक एक वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो,
इसलिए एक ही एक वीडियो में एक एक प्रोटोजोआ ही डिस्कस करेंगे, बहुत सारे डिस्कस नहीं करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।